यह देखिए तिराहा है, जो ये तिराहे से ये रोड जाती है, चली जाएगी क्या झारखंड छत्तीसगढ़ साइड में, और ये देखिए रीवा दिखा रहा है, तो ये एमपी साइड में ये रोड शायद जाती है जहाँ तक हमको यहाँ इस बोर्ड से दिख रहा है। तो अभी बज रहे हैं 3:10 और हम लोग निकल रहे हैं कुछ यहाँ पर जो गांव के इलाके वहाँ घूमने। हम लोग मस्त आराम कर लिए, नहा लिए, खा लिए और चल रहे हैं। अभी 2 लोग सो रहे हैं, हम 3 लोग चल रहे हैं। देखिए 3 लोग चलो बैठते हैं, बाइक है, मस्त घूमते हैं। अरे भाई साहब चलिए जवानी तुम्हारे हवाले। हमारे नीरज भाई हैवी ड्राइवर हैं, गाड़ी चलाना मत जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप देख सकते हैं कि सोनभद्र में मैं देख रहा हूँ खपरेल के घर आपको हर्षगंज दिख जाएंगे। अरे कोई दिक्कत नहीं, चलो बड़े देखिए पूरा चारों तरफ पहाड़, बहुत सारा पेड़ बाग। हम लोग ऐसे गांव घूमते घूमते एक दो गांव पार कर दिए हैं। एक ग्राम खाड़था पार है, क्या है खाड़था पार से कुछ नाम है। ये देखिए ऐसे रहते हैं यहाँ पर गाय भैंस। आगे रास्ता सही नहीं है, एक बार देख के आते हैं। यहाँ पर हम लोग एक चीज देख रहे हैं कि शायद लड़कियां जो हैं, मतलब यहाँ पर जो गर्ल्स पॉपुलेशन है, उन लोग को मेबी एजुकेशन के लिए स्कूल नहीं भेजते हैं, ऐसा लग रहा है देखने से। बाकी यहाँ की जो गांव की लाइफ है बहुत डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू अदर डिस्ट्रिक्ट जो हमने कवर किए हैं। जैसे हम लोग मथुरा में थे तो मथुरा की गाँव की लाइफ अलग थी, वहाँ के थोड़ा सा उतर के जाना पड़ेगा, बाकी तो ठीक है। हाँ आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, काम हो जाएगा।
लेते हैं तो कुछ खास इशू। अरे इशू भाई भोजपुरी अवधि है कि यहाँ की मतलब पूरे यार पूरे पूर्वांचल की लैंग्वेज है भोजपुरी प्लस अवधि है। खत्म इधर आगे पीछे ये देखिए ऐसे घर आई थिंक जब हम लोग बहुत छोटे थे 4-5 साल के तब ऐसे घर होते थे। अभी देखिए यहाँ पर हर जगह लगभग 95% घर ऐसे ही दिख रहे हैं गाँव में। आप देख सकते हैं अभी देखिए लोग कितना देख रहे हैं ना कौतूहल बढ़िया आंखों से देख रहे हैं हर जगह बच्चे बूढ़े कोई भी कैसे बाइक कैसे आ गई अभी हाथ में क्या लिया हुआ है बंदा समझ रहे हो ना। हम लोग वापस जा रहे हैं किसी और इलाके में कुछ देखते हैं चलते हैं वापस रूम पर। अभी हम लोग खाड़पाथर गांव के स्कूल में हैं जो 6-8 होता है पूर्व माध्यमिक विद्यालय होता है। तो यहां पर बड़ा सही स्कूल है साफ़ सफाई अच्छी की गई है और पूरा अच्छे से स्कूल को मेंटेन किया गया है और हम लोग भी 1-8 ऐसी लाइफ को जिए हैं। हम भी सरकारी स्कूल में पढ़े हैं तो यादें ताज़ा हो गई और बड़ा अच्छा लगा। सही स्कूल है सब यहाँ पर टीका भी लग रहा है बढ़िया स्कूल है। ये देखिए एक किचन का है पूरा प्रॉपर लिखा हुआ है जो मेनू होता है बच्चों का हर हम लोग खाएं हम लोग भी ये सब लाइफ जी चुके हैं 1-8 हम भी मिड डे मील खाए हैं मस्त बड़ा बढ़िया रहा है एकदम बहुत मजे आते थे हम लोग। लेकिन तब कि आपके स्कूल बड़ा अंतर हो गया है तब के स्कूल इतने अच्छे नहीं थे मतलब इतना साफ सफाई है या इतना डेंट पेंट नहीं था अब बहुत बढ़िया हो गया है। तो अभी हम लोग अराउंड 1.5 घंटा 1 घंटे में एक सोनभद्र जिले का खाड़ क्या नाम था भाई खाड़पाथर गांव घूम के आ गए। बहुत कुछ चीज़ सही लगी यहाँ पर। पहली चीज़ हम लोगों ने यहाँ का स्कूल देखा स्कूल तो काफ़ी सही था और यहाँ पर जो लोगों का मेन काम है वो पशुपालन है और खेती है और यहाँ पर 90% घर भी जो वही कपड़े वाले कच्चे वाले घर हैं बट लोग हैप्पी दिख रहे हैं ऐसी बात नहीं है बट ये है कि शायद गर्ल्स एजुकेशन की थोड़ा कमी है बाकी सब बढ़िया है।